नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का डिजिटल स्टडी 94 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम करने वाले हैं 23 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में जो रीट की एग्ज़ाम हुई थी, तो दोस्तों हम खंड तीसरे में भाषा सेकंड यानी कि संस्कृत के 30 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, लेकर आ रहे हम पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 61, संस्कृत भाषा शिक्षण से अनुपात से क्रमश च सिद्धांत अनुसारेण प्रारंभिक स्तरे प्रधानता भवति। तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मौखिक कार्य से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62, या भाषा अध्यापनीया सा स्वमाध्यमेव बोधनीया इत्यत्र भाषा शिक्षण से विधिरस्ति। तो दोस्तों, इसमें आपको बतानी है शिक्षण विधि कौन सी है। तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 63 नंबर, हर्बर्टीय पंचपदी विधि सोपानम अस्ति। तो दोस्तों, हर्बर्ट की पंचपदी विधि है ना, उसको आपको बताना है निम्नलिखित में से सोपान कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, वैदिक शिक्षा पद्धति अपि दृश्य साधना नाम प्रयोग है कथम विहित। तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि तालपत्रेषु लिखता नाम रेखा चित्रणाम प्रयोगेण। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। 65 नंबर, शैक्षिक भ्रमणम संस्कृत शिक्षणे साधनम अस्ति। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्रियात्मक अन्य साधनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 66 नंबर, से संदर्भा व्याख्या कथाया साराधिक लेखने ने संबंध च प्रश्ना भक्ति। तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि निबंधात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 67 नंबर, पाठ्य पुस्तकें संचिता सामग्री भवेत, यानी कि पाठ्य पुस्तक की सामग्री कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये होनी चाहिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि छात्रनाम शारीरिक और मानसिक इस तरह अनुसारम। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि छात्रों के मानसिक और शारीरिक शिक्षण के अनुसार होनी चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। 68 नंबर, संस्कृत भाषा शिक्षण सर्वप्रथम भाषा कौशलम विद्यते, यानी कि संस्कृत शिक्षण में सर्वप्रथम भाषा कौशल कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रवणम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 69 नंबर, प्रश्ना नाम उत्तरे अनेके विकल्पा दियंते, परीक्षार्थी एसु विकल्पेशु साधुत्तर चुनौती परीक्षाया प्रकार है कै। तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहु विकल्पात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 70 नंबर, उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि करेक्ट आंसर निदानात्मक परीक्षा उपरांत बालकस्य न्यूनता परिष्काराय शिक्षणम। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। ये क्वेश्चन है दोस्तों गद्यांश से लिए गए हैं, 5 प्रश्न 71 से और 75 तक। तो दोस्तों, 71 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। श्वेत वर्णा इत्यत्र समास है कै। तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 72 नंबर, कृत्वा अत्र धातु प्रत्यय स्तय। तो दोस्तों, आपको बताना है कृत्वा में धातु और प्रत्यय कौन सा है। तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्रे धातु से कृत्वा प्रत्यय बना है, कृत्वा प्रत्यय। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 73 नंबर, मात्रायाम इत्यत्र का विभक्ति, मात्रायाम में आपको बतानी है दोस्तों विभक्ति। तो इसमें होगी दोस्तों विभक्ति ऑप्शन नंबर सी, बोले तो सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 74 नंबर, उत्पाद्यति इत्यत्र उपसर्ग अस्ति। तो दोस्तों, इसमें बताना है आपको उत्पाद्यति में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उद्प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 75 नंबर, विश्वनाथ कुशल कृषक अपि अस्ति, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति। आपसे पूछा गया है दोस्तों इसमें अव्यय। तो दोस्तों, इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर सॉरी बी यानी कि अपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 पर आते हैं दोस्तों। सुवर्ण इत्यत्र समास है कै, यानी कि सुवर्ण में आपको बताना है कौन सा समास है। तो दोस्तों 76 नंबर में है हमारा समास सुवर्ण में तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? तत्पुरुष बोले तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 77 नंबर, दृष्ट है इत्यत्र प्रत्यय अस्ति, यानी कि दृष्ट है में आपको बताना है प्रत्यय। तो प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों इसमें कित प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, ये पूछा गया है आपको छंद से पूछा गया है दोस्तों। उपर्युक्त श्लोक छंद सह नाम है किम, यानी कि छंद बताना है आपको इसमें कौन सा छंद है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपजाति छंद। कौन सा? उपजाति छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 79, शिलासु कृष्णासु ने ते ही मृग्या इत्यत्र विशेषण पदम अस्ति। तो दोस्तों इसमें है विशेषण ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्णासु इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 80 नंबर, मरु है इत्यत्र लिंगम अस्ति, यानी कि मरु में आपको लिंग कौन सा बताना है, लिंग बताना है कौन सा है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुल्लिंग। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 81, 73 इमाम संख्याम संस्कृतेन लिखत, यानी कि 73 को आपको संस्कृत में लिखना है। तो दोस्तों 73 को संस्कृत में हम ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्रिसप्तति लिखेंगे। कौन सा? त्रिसप्तति। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 82 नंबर, 6:10 को आप संस्कृत में लिखिए। तो दोस्तों इसमें लिखेंगे हम 10:30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 10:30, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों 83 नंबर, माहेश्वर सूत्रेषु घस प्रत्याहारे वर्णा भवन्ति। तो दोस्तों माहेश्वर सूत्र के अनुसार घस प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो दोस्तों इसमें आते हैं 3 वर्ण, घ, ध। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम 84 नंबर, मैं खेल कर समय नष्ट नहीं करूँगा इत्यस्य वाक्य से संस्कृत अनुवादम कुरुत। दोस्तों इसका आपको करना है संस्कृत में अनुवाद। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अहम क्रीडित्वा शम्यम न नक्ष्यामी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम 85 नंबर पर, एक समय राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए एक घोड़ा छोड़ा। तो दोस्तों आपको करना है इसका संस्कृत में अनुवाद। तो दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एकदा राजा दिलीप यज्ञम कर्तुम एकम अश्वम मुमोच। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम 86 नंबर पर, यह इत्यस्य वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, यह वर्ण का आपको बताना है दोस्तों उच्चारण स्थान। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तालब इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, ईश्वर है सर्वान रक्षति, ईश्वर है सर्वान रक्षति इत्यस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तनम करोतु। दोस्तों आपको इसका करना है वाच्य में परिवर्तन। तो दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ईश्वरेण सर्वे रक्षयन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों 88, मया चंद्र है पश्यते इत्यत्र वाक्यम संशोधित। दोस्तों इसको आपको संशोधन करना है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मया चंद्र है दृश्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों 89, मम न रोचते ते वाक्यम इत्यत्र वाक्यम संशोधित। तो दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महम न रोचते ते वाक्यम। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न पर आते हैं हम 90 पर। तो ये है दोस्तों उदार चरितानाम तू कुटुंबकम
अत्र लिखित सूक्ते समुचित पदेम रिक्त स्थानम पूरियत। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार आपके सामने 30 प्रश्न समाप्त होते हुए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।